إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگ و دوستو، پاکستان ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے تقریباً 100 سال تک انگریز نے ہم پر حکومت کی ہے. اور انگریز سے پہلے یہاں مغلیہ خاندان کی حکومت تھی. مغلیہ خاندان کے جو لوگ حکومت کرتے رہے، بادشاہت کرتے رہے، ان میں ایک بادشاہ کا نام ہے نصیر الدین ہمایوں. بادشاہ سارے کے سارے نہ مجسم برائی ہوتے ہیں نہ ہی مجسم نیکی، ماں سوائے چند کے. ہمایوں کے اندر جہاں کچھ خرابیاں تھیں وہاں کچھ نیکیاں بھی تھیں.
एक मर्तबा ये महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सीढ़ियां थीं संगमरमर की, हाथ में इसके छड़ी थी। अचानक अजान शुरू हो गई। अजान के एहतराम में ये वहीं पर बैठ गया सीढ़ियों पर ही। वो जो नेकी थी ना, उसका मुजाहरा हुआ। अजान खत्म हो गई, ये उठने लगा। सीढ़ियां थीं संगमरमर की, इसकी स्टिक छड़ी फिसली और ये पलटियां खाते हुए नीचे गिरा। पसलियां टूट गईं और इसी सदमे से इसका इंतकाल हुआ। इसके बेटे का नाम था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन अकबर। ये अभी नौ उम्र था। दारुल हुकूमत में नहीं था, बाहर था। बाहर इसको पता चला, वहीं पर इसके वजीर ने इसकी ताजपोशी कर दी। दिल्ली वापस आया तो बादशाह बन के इसने हुकूमत शुरू कर दी। ये चंद तारीखी बातें हैं, इनको जरा गौर से सुनिए। जलालुद्दीन अकबर के दौरे हुकूमत को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में बड़ा नेक तीनत नौजवान, उलमा और अल्लाह वालों से प्यार करने वाला, हर शाम इसके यहां उलमा की महफिल सजती थी। उलमा वहां बैठे होते थे, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू शुरू रहती थी। लेकिन ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत से पहले आसमान के नीचे जितनी मखलूक होगी, सबसे बदतर, सबसे शरारती वहां के उलमा होंगे, इन्हीं में से फितना निकलेगा और इन्हीं में फितना वापस जाएगा। उलमा की अक्सरियत ये बद किरदार होती है, नेक किरदार की नहीं होती। अब मेरे लिए मसला यह है कि अगर सच्ची बात न करूं तो मुनाफकत करूंगा, और अगर सच्ची बात करूं तो गालियां खाता हूं। आजकल यही कुछ हो रहा है, तो भाई गालियां खानी मंजूर है, अल्लाह राजी हो जाए बस।
हजार साल पहले दाता साहब फरमा गए हैं कशफुल महजूब शरीफ के अंदर कि ये जो मौलवी हैं मौलवी उलमा इनमें से अक्सर मुझे भेड़िए नजर आते हैं। भेड़िए आज से हजार साल पहले की बात है। अलमान अल हफीज सरकारे मुजद्दिद अल्फ़ेसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक अजीज ने इबलीस को देखा कि बिल्कुल फारिग बैठा है कोई शरारत नहीं कर रहा। उसने इबलीस से पूछा जनाब क्या बात है फारिग बैठे हो? उसने कहा नहीं आजकल मेरा काम है ही नहीं, जो मेरे करने का काम है ये वक्त के मौलवी साहिबान कर रहे हैं, लोगों को धोखा देते फिरते हैं गुमराह करते फिरते। तो अकबर के दौर में उलमा की मजलिसें होती, जब आपस में बैठते तो फिर एक दूसरे की मुखालफत करते। मुखालफत क्यों करते? इसलिए नहीं कि कोई गलत मसला बयान हो रहा है अल्लाह राजी होगा, मुखालफत इसलिए करते कि बादशाह समझे कि सबसे बड़ा मौलवी यही है। तो मौलवियों की लड़ाइयां चलती रहीं, अकबर देखता रहा और कुड़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो दीन ही से मुतनफर हो गया, कहता यार ये दीन है जिसके मानने वालों का ये किरदार है, झूठ बोलने से ये बाज नहीं आते, बोहतान लगाने से ये बाज नहीं आते, शरारत में नंबर वन ये है, ये दीन है। अगर दीन में कुछ होता तो ये मौलवी लोग इनके अंदर तो असर होता ना। अब वो दीन से मुतनफर हो गया, लेकिन उसने कोई नया दीन बनाया नहीं। अब उसका दूसरा दौर शुरू हुआ जब उसने मौलवियों को पीरों को अपने दरबार से निकाल दिया, चलो दफा हो जाओ यहां से, तुम यहां क्या करते फिरते हो। उसने एक गलती और की कि उसने कुछ शादियां हिंदुओं में की, उसके घर में हिंदुआनियां आ गई, हिंदू कल्चर भी अब उस पर असर अंदाज होने लगा। इसीलिए कहते हैं कि अपनी दोस्ती उन लोगों के साथ लगाया करो जिनमें वाकई खुदा का खौफ हो। बस बंदा अपने यारों से पहचाना जाता है कि इसके यार किस तरह के हैं, बंदा खुद पहचान लिया जाता है। तो शादी करना ये तो बहुत बड़ी यारी लगाने की बात है ना। तो हिंदू औरतें उसके हरम में आ गईं, उसको कुछ मौलवी मिल गए जो उसकी हां में हां मिलाने वाले थे, बड़े तकड़े मौलवी। ये दोनों सगे भाई थे, एक का नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था फैजी। शरारती भी परले दर्जे के थे, फितना परवर भी बड़े परले दर्जे के थे और इलम में भी उनकी मिसाल नहीं मिलती थी, यानी उलूमे दीनिया में उनके रसूख का ये आलम था कि फैजी ने एक तफसीर लिखी है कुरान पाक की
जिसका नाम है सवातिउल इल्हाम और है तफसीर बेनुक्त। पूरी तफसीर में उसने नुक्ते वाला हरफ इस्तेमाल नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ेसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अकबर के बादशाह बनने के 8 साल बाद पैदा हुए। बचपन में ही कुरान पाक पढ़ लिया था। बाज ने तो दावा किया है कि 7 साल की उम्र में ही कुरान पाक याद कर लिया था, शायद ये बात दुरुस्त न हो। मेरे ख्याल में कुरान पाक आपने याद किया है जब जहांगीर ने, अकबर के बेटे ने इन्हें कैद किया था ग्वालियर के किले में। 2 साल तक आप कैद रहे, उस दौर में आपने कुरान पाक याद किया। 17 साल की उम्र थी हजरत शेख मुजद्दिद की जब रस्मी उलूम से फारिग हो गए। आप आगरे भी तशरीफ ले आए। अब वहां फैजी और अबुल फजल से मुलाकातें आपकी शुरू हुई। एक मर्तबा शेख मुजद्दिद वहां पहुंचे तो फैजी बड़ा परेशान था, उसने देखा तो खिल उठा, कहने लगा बड़े अच्छे मौका पर आप तशरीफ लाए। एक आयत की तफसीर लिखना चाहता हूं लेकिन बेनुक्त इबारत नहीं बन रही, आप कुछ रहनुमाई फरमाइए। आपने फरमाया कौन सी आयत है, कौन सा मकाम है। जब उसने बताया तो हजरत इमाम रब्बानी ने फिल बदी कागज पर उसकी तफसीर लिख दी। तो ये इमाम रब्बानी की अजमत थी और फैजी भी बहुत बड़ा आलिम था। ये दोनों मौलवी साहेबान अपने अब्बे समेत बादशाह को गुमराह करने में लगे रहते। बादशाह जैसा मसला चाहता वैसा मसला बयान कर देते थे। आखिर उसने एक नया दीन ईजाद किया, दीन इलाही के नाम से दीन अकबरी उसने ईजाद किया। मुसलमानों पर बड़े बड़े सख्त वक्त आए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। ये जो रूस से रियासतें आजाद हुई हैं यहां भी 70 साल तक अजानों पर पाबंदी रही है। मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने नहीं जा सकता था। लेकिन अकबर का दौर तो नताइज के एतबार से उससे सख्त दौर था। हिंदुओं को तरजीह दी जाती थी, मुसलमानों पर सख्तियां होती थी। हम रखते हैं रोजे, हिंदू भी रोजे रखते हैं, लेकिन पता है हिंदू रोजों को क्या कहते हैं? व्रत। व्रत जब हिंदुओं के व्रत शुरू होते रोजे शुरू होते, कोई मुसलमान रोटी नहीं पका सकता था। अगर रोटी पकाता पकड़ा जाता तो उसको सजा मिलती थी। और जब रमजान शरीफ का महीना आता तो खुल्लम खुल्ला खाने पकाए जाते थे, किसी पर कोई पाबंदी न होती। जो मिलने वाला है वो कहता है अस्सलामु अलैकुम,
तो जवाब में क्या कहा जाता है, वालेकुमुस्सलाम। और यहां यह मसला अर्ज कर दूं, ये सलामु अलैकुम कहेगा कौन? एक आदमी बैठा हुआ है, कोई आदमी ऊपर से आया, तो अब किसका फरीजा है अस्सलामु अलैकुम कहना? आने वाले का। एक आदमी पैदल जा रहा है, एक आदमी सवार है, किसका फरीजा है सलाम कहना? सवार का। क्यों? ताकि तेरे अंदर जो तकब्बुर वाली लहर है ना, वो तोड़ दी जाए। तू बड़ा नहीं, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, तू तो एक आम मुसलमान है, बाकी सब तेरे से बड़े। जो आदमी सलाम में पहल करता है, आमिना के लाल ने फरमाया बरी उम्मिनल किबरे, वो तकब्बुर से बरी होता है। यहां तो बड़े बड़े लोग जो है ना, सलाम कहना ही गवारा नहीं करते, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पीर, हालांकि सरकार ने क्या फरमाया है, खुद सलाम में पहल किया करो। सरकार से बड़ा कोई अल्लाह ने पैदा किया है? नहीं। लेकिन सरकार पहल करते थे सलाम के अंदर। लेकिन अकबर के दौर में सलाम ही चेंज हो गया। जलालुद्दीन अकबर नाम था ना, तो जब कोई मिलता किसी को, अस्सलामु अलैकुम की बजाय कहता अल्लाहु अकबर। और जिसको ये सलाम कहता था वो आगे से कहता जल्ला जलालुहु, यानी अकबर ने खुदाई का दावा किया कि अकबर अल्लाह है, और जवाब में वो कहता था जल्ला जलालुहु, यानी इस्लाम को खत्म करने की कितनी नापाक साजिशें थी। अकबर के दौर में गाय जिबा करने की कतन इजाजत ना थी। मौलवियों ने फतवा दे दिया था गाय हराम है, जबकि भेड़िया और शेर ये हलाल हैं। कैसे कैसे मौलवी आ जाते हैं कि भेड़िया हलाल, शेर हराम, भेड़िया भी हलाल, शेर भी हलाल और गाय हराम। कैसे कैसे लोग फतवे दे देते हैं। ये जब मुआशरा मिक्स होता है, मुख्तलिफ मजाहिब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो इंसानी फितरत है, ये दूसरे के असरात कबूल करता है। आपने कई देखा होगा कि कई वाबी सुन्नी हो जाते हैं, कई सुन्नी वाबी हो जाते हैं। क्यों? ये मुआशरे में एक फितरती चीज है। जब हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे तो कई हिंदू मुसलमान हो जाते थे, कई मुसलमान भी मजहब छोड़ देते थे। तो अगर कोई हिंदू औरत मुसलमान हो जाती थी तो उसे जबरदस्ती उसके मां बाप के घर भेज दिया जाता था। यह मुसलमानों पर यह सख्ती थी। अरबी जुबान का पढ़ना, अरबी जुबान का लिखना यह ऐब करार दे दिया गया था कि अरबी नहीं पढ़नी, अरबी नहीं लिखनी। जब किसी तमद्दुन को देश निकाला देना मकसूद हो तो उसकी जुबान को यहां पर ममनू करार दे दो। कुरान पाक किस जुबान में है? अरबी में। खुदा ना खास्ता अगर यहां वक्त आ जाए कि अरबी पर पाबंदी लग जाए तो कितने सालों के बाद इस्लाम खत्म हो जाएगा? चंद सालों के अंदर ही। और अगर कभी वक्त आ जाए यहां अंग्रेजी पढ़ना,
अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना ये मना करार दिया जाए तो बोलो कौन सा तमद्दुन यहां से दफा होगा? अंग्रेजी, अंग्रेजी तमद्दुन चला जाएगा यहां से, तो हो सकता है मुसलमान अपने पांव पर खड़े हो जाएं। तो उन्होंने इस्लाम को खत्म करने के लिए अरबी जुबान पर पाबंदी लगा दी। फिका, हदीस, तफसीर ये पढ़ने पढ़ाने वाले ये मर्दूद बना दिए गए, खबरदार कोई बंदा अगर पढ़ेगा तो उसे सजा दी जाएगी। ये किसके दौर की बातें हैं? अकबर के दौर की बातें। मस्जिदें आबाद न रही, वैरान हो गई। क्यों? मस्जिदों में अजान होती है अरबी जुबान में, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी जाती है अरबी जुबान में। तो जब बुनियाद पर ही पाबंदी लगा ली तो मस्जिदें किस तरह आबाद रह सकती थी? दाढ़ी जिसके मुंह पर होती उसकी बहुत ज्यादा तजलील की जाती थी, उसकी मजम्मत की जाती थी। ये जो मौलवी साहिबान है, दुनियादार मौलवी, ये भी दाढ़ी मुंडाकर बादशाह के मुकर्रब बनने की कोशिश करते थे। दाढ़ी क्या चीज है? ये दाढ़ी को मुंडवाओ, दाढ़ियों पर पाबंदी लगा दी गई। खैर, कई तरह के इन्होंने करतूत किए। हम लोग जब दफन करते हैं अपने मुर्दे को तो कब्र के अंदर सर किधर होता है? किबला शरीफ की तरफ। लेकिन उसने पाबंदी लगाई थी मुर्दे दफन करो तो तुम्हारे मर्दों के पैर जो हैं वो किबला शरीफ की तरफ होने चाहिए। यानी इस तरह की पाबंदियां उसने लगाई थी। दीन इलाही, दीन अकबरी उसने ईजाद किया था। एक मर्तबा हजरत मुजद्दिद कब पैदा हुए? सन 971 हिजरी में, शव्वाल की 14 तारीख थी। और उनकी विलादत से पहले उनके वालिदे माजिद ने ख्वाब देखा जिनका नाम है शेख अब्दुल अहद, के कुत्ते और सुअर ये दन दन आते फिर रहे हैं, लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। शेख अब्दुल वहद जो हजरत मुजद्दिद के वालिद हैं, उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक नूर निकला है, तख्त पर एक नूरानी शक्ल का बंदा बैठा है, बड़ा खूबसूरत, और जिधर इशारा करता जा रहा है उधर ही वो कुत्ते सुअर भेड़िए तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं, और वो जुबान से कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत कर रहा है। कुल जा الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी, इनके वालिद ने ये ख्वाब देखा तो सिलसिला कादरिया के एक बड़े मारूफ बुजुर्ग थे हजरत शाह कमाल कैथली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी खिदमत में अर्ज किया हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है। हजरत शाह कमाल कैथली ने जवाब में इरशाद फरमाया तुम्हें मुबारक हो,
अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा अता फरमाएगा जिस बेटे की बरकत से अल्लाह ताला ये कुफ्र शिर्क और बिदत की मुसीबतों को दफा दूर फरमा देगा। तो फिर हजरत शेख मुजद्दिद पैदा हुए थे। सन कौन सा है? 971 शव्वाल की 14 तारीख। हा हा, आपने 17 साल की उम्र में फारिग हो गए, आगरे भी गए। अब्बा जान थे बूढ़े, उनके बुढ़ापे की वजह से हजरत शेख मुजद्दिद ने हज का इरादा नहीं किया। आपका जब इंतकाल हो गया तो सन 1008 हिजरी में हजरत मुजद्दिद आप हज के इरादे से सरहंद शरीफ से निकले और उस वक्त तक आप बहुत बड़े अल्लामा और सिलसिला कादरिया चिश्तिया सोरवर्दिया के बहुत बड़े शेख तरीकत बन चुके थे। हजरत शेख मुजद्दिद वहां पहुंचे दिल्ली। दिल्ली में आपके एक हम सबक थे जिनका नाम है मुल्ला हसन कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। ये मुरीद थे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ये हैं तुर्क, खिलजी तुर्क। इनके शेख ने इन्हें हुक्म दिया कि बाबा तुम ऐसे करो, इंडिया चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, अल्लाह तुमसे वहां एक काम लेगा, जाओ। और साथ ही फरमाया कि एक शहबाज वहां तेरे हाथ आएगा, तुम वहां जाओ। ठीक है हुजूर। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला अपने शेख के हुक्म से चले। जब सरहंद शरीफ पहुंचे तो इन्हें ऐसे लगा जैसे यहां एक कुतुब है, कुतुब। उलमा को देखा, मशायख को देखा, लेकिन वो कुतुब की शक्ल कहीं नजर ना आई, शक्ल भी दिखाई गई। वहां आपने ख्वाब देखा, ये ख्वाब आपने अपने मुर्शिद खाने में देखा था कि एक मर्तबा वो सो रहे हैं तो तोता, ये तोता जो है ये इनके ऊपर एक दरख्त है, वहां आके बैठ गया है। ख्वाब में सोचते हैं काश ये तोता कभी मेरे हाथ पे आके बैठ जाए ना। दिल में आना था कि वो शाख से उड़ा और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के हाथ पर बैठ गया तोता। फिर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उसे कुछ खिलाया तो उसने भी ना अपने मुंह से कोई चीज हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुंह में डाली, बड़ी मीठी चीज थी। इन्होंने अपने शेख से जब अर्ज किया तो हजरत ख्वाजा अमकनगी ने फरमाया कि बेटा बात यह है, तोता है हिंदुस्तान का जानवर, तो तुम्हें हिंदुस्तान जाना है तब आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। इधर हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी जब हज के इरादे से दिल्ली पहुंचे तो मुल्ला हसन कश्मीरी कहने लगे, यहां एक बुजुर्ग हैं, क्या हर्ज है अगर तुम उनकी जियारत कर लो। तो नक्शबंदी बुजुर्ग हैं, बहुत कामिल हैं। और ये मुल्ला हसन कश्मीरी हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी के क्लास फेलो भी थे सियालकोट में। एक बुजुर्ग गुजरे हैं मुल्ला कमाल कश्मीरी, उनके नाम की मस्जिद आज तक सियालकोट में मौजूद है। एक मर्तबा मेरे हजरत ने, मेरे दादा मुर्शिद ने मुझे फरमाया था तुम सियालकोट जाओ और वहां जो मस्जिद है ना मुल्ला कमाल की, वहां दो रकात पढ़ के आओ। तो उनके हुक्म पर मैंने उस मस्जिद में हाजिरी भी दी थी। यहां हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी पढ़ते भी रहे, क्लास फेलो थे।
तो मुल्ला हसन कश्मीरी कहने लगे क्या हर्ज है अगर आप हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास चलो। फरमाया चलो। अब जियारत करने गए, बस देखा ना हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने तो जो कुतुब की निशानी सरहंद में नजर आई थी वही हुलिया सामने मौजूद था। बड़ी मोहब्बत से मिले, फरमाने लगे आप हज को जा रहे हो, अगर कुछ अरसा हमारे पास रहो तो क्या है, हमारी ख्वाहिश है हम मिल बैठे। हजरत शेख मुजद्दिद ने भी अर्ज किया बिल्कुल ठीक है मैं हाजिर होता रहूंगा। एक दिन गए और दूसरे दिन तबीयत ने जोश मारा, हाजिर हुए तो कहने लगे मुझे अपना ही मुरीद बना लीजिए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के हजरत मुजद्दिद अल्फ़ेसानी मुरीद बन गए। और ये ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है, इनका वाक्या मैं